हाय एवरीवन, दिस इज दे एंड यू आर वाचिंग एजुसेंटिक स्टडी चैनल। आज आम देखा एपिस्टेमोलॉजी। आगुरी आम पढ़ीजे मेटाफिजिक्स पढ़ीजे ब्रांचेस ऑफ नॉलेज विषय आम पढ़ुजे ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी विषय पढ़ुजे। तो तार प्रथम वीडियो आम देखीजे मेटाफिजिक्स विषय। आज देखा आम ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी को तीन भाग में विभक्त कर प्रथम है पिला माने टोटल तीन भाग में विभक्त कर फर्स्ट वन इज तुम्हारो मेटाफिजिक्स एंड सेकंड वन इज दिस एपिस्टेमोलॉजी एंड थर्ड वन इज तुम्हारो एक्सियोलॉजी। तो आम मेटाफिजिक्स को ऑलरेडी पढ़ी सारी आज पढ़ा एपिस्टेमोलॉजी जो दुई नंबर अच्छी से एपिस्टेमोलॉजी को देखा। एपिस्टेमोलॉजी अर्थ कौन? तो स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज माने एपिस्टेमोलॉजी अर्थ होला पिला माने स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज माने आमर नॉलेज रो नेचर को स्टडी करने को बा ज्ञान रो प्रकृति रो माने अध्ययन को एपिस्टेमोलॉजी कहा जाए। आउ कौन हाउ दिस आर अटेंड एंड इवैल्यूएटेड यह किपर अटेंड कर किपर माने आम ज्ञान आहरण कर पारे इवैल्यूएटेड इवैल्यूएटेड माने ठीक ज्ञान कौन आउ क्यों ज्ञान को आम माने इवैल्यूएट करो ज्ञान ठीक आम आम माने आहरण करवाटा है इवैल्यूएटेड। तो से कही हाउ दिस आर अटेंड एंड इवैल्यूएटेड यह किपर अटेंड कर किपर मिल पारे आउ किपर इवैल्यूएट कर ठीक ज्ञान कौन आम रखी पारे से मानने ज्ञान नेचर आउ यह किपर अटेंड हो किपर इवैल्यूएट होता विषय स्टडी करने को एपिस्टेमोलॉजी कहु बुझे आग को जी। एपिस्टेमोलॉजी द ब्रांच ऑफ देखो ये कहुच्छे एपिस्टेमोलॉजी द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी कंसर्न विथ द नेचर एंड स्कोप्स ऑफ नॉलेज एंड इज ऑल्सो रेफर टू एज थ्योरी ऑफ नॉलेज। कौन कहला से एपिस्टेमोलॉजी इटा गोटे ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी गोटे ब्रांच गोटे कंसर्न विथ द नेचर माने कहा सहित कंसर्न थाए कौन काम विथ द नेचर नेचर सहित कंसर्न थाए एंड स्कोप ऑफ नॉलेज आउ कहा सहित नेचर सहित एवं स्कोप ऑफ नॉलेज माने नॉलेज रो परिसर ज्ञान रो परिसर सहित एटा कंसर्न थाए एंड इज ऑल्सो रेफर टू एज थ्योरी ऑफ आउ कौन कह क्या ये रेफर करे थ्योरी ऑफ नॉलेज पे थ्योरी ऑफ नॉलेज को से रेफर करे बुझेगा आग को जी। ए जो एपिस्टेमोलॉजी कौ दुईटा शब्द कुछ आम ऑलरेडी जानी लॉजीटा को ऑलरेडी आगर पढ़ी देखिए एवं खाली देखा एपिस्टेमो एपिस्टेमो अर्थटा कौन लॉजी मानी जानी लॉजी अर्थ है सब बेले सबुठ पढ़ी तुम्हें लॉजी अर्थ है पे स्टडी स्टडी करवा यहाँ जान अनुध्यान करवा सबुठ लगी लॉजी ताको देखा एपिस्टेमोलॉजी द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी हेज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जानी सही आम एपिस्टेमोलॉजी एक्चुअली गोटे डिराइव्ड हो ग्रीक वर्ड गोटे एपिस्टम रु आर अर्थ है नॉलेज अंडरस्टैंडिंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग एपिस्टेमो अर्थ है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग एंड लोगोस आ गए अच्छी जो लोगोस लोगोस अर्थ स्टडी ऑफ माने से विषय अनुध्यान करवाटा है लोगोस एमती आसो तार मान मीनिंग इटिमोलॉजिकल मीनिंग इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द नेचर आम कहीपर एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड सोर्स नेचर सोर्स एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज कहीपर एमती जे एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर नेचर रो स्टडी सोर्स रो स्टडी एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज माने नॉलेज केते दिन वैलिडिटी रहुचि तार माने से वैलिडिटी उपरे स्टडी करबाटा हला एपिस्टेमोलॉजी एमती भी कहीपर इट इज सिक्स टू आंसर द बेसिक क्वेश्चन व्हाट इज ट्रू ये जो एपिस्टेमोलॉजी कौ प्रकार आम ऑलरेडी पढ़ी जे फिलोसॉफी ये ब्रांच पढ़ुजे तो फिलोसॉफी कौन करे फिलोसॉफी जदि कौनसी जिनिसर बा कौनसी टर्म रो ताको जदि तुम्हें फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू रे देखिवो ताहले फिलोसॉफी ताको तुम्हें से डायरेक्ट आंसर कहबो नहीं जदि क्वेश्चन फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू रे तार देखा जीवो ताहले से क्वेश्चन माध्यम रे ताको सॉल्व करबा को चाहिबो। तो ये जेहेतु एटा गुटे ब्रांच ऑफ फिलो माने एपिस्टेमोलॉजी जो ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी तो सेति पई एटा क्वेश्चन ए सब फिलोसॉफी रे ही क्वेश्चन पुट हो सब क्षेत्र रे तो से को प्रकार क्वेश्चन माने पचारिबो इट सिक्स टू आंसर द बेसिक क्वेश्चन कौन बेसिक क्वेश्चन व्हाट इज ट्रू कौन सत्य हाउ डू यू नो आम किपर जाना यहाँ सत्य आम किपर जाना से दैट्स टाइप ऑफ क्वेश्चन से पचार देन आस
दस एपिस्टेमोलोजी कवर्स टू एरिया दुईटा एरिया को कवर कर गोटे कंटेंट आ गए कंटेंट अफ थट एंड थट इटसेल्फ गोटे है कंटेंट अफ थट आ गए थट दुईटा जिनस को सी मानने दुईटा एरिया को कवर कर और इन एजुकेशनल टर्म आ गए एजुकेशनल टर्म में करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन जोटा कि एजुकेशनल टर्म में कहीपर जहाँ आम करिकुलम कहूँ करिकुलम आउ इंस्ट्रक्शन बा कंटेंट ताकू कहूँ आ गए मेथड दुईटा गोटे करिकुलम आ गए इंस्ट्रक्शन कहीपर ताकू कंटेंट कहीपर आ गए मेथड माने करिकुलम जहाँ पढ़ा व्हाट कौन पढ़ा व्हाट आउ किपर पढ़ा हाउ दैट इज योर मेथड व्हाट इज योर करिकुलम एंड हाउ इज योर मेथड अंडरस्टैंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट द स्टडी ऑफ द एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद द इश्यू तापर कौन स्टडी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी कौन डील्स करे इश्यू रिलेटेड टू द डिपेंडेबिलिटी ऑफ नॉलेज नॉलेज को कहा ऊपर निर्भर करिवो ताहा को से जिनिस को से रिलेटेड करके ताकू से इश्यू बा से प्रॉब्लम को से सॉल्व करिया पई चेष्टा करिवो एंड द वैलिडिटी ऑफ सोर्स आउ से जो सोर्स रु पाउछि नॉलेज ता तार वैलिडिटी केते दिन रहिबो ताकू से बेस करिकि एडा माने ये कहे थ्रू हुईच वी गेन जो आम इनफर्मेसन पाऊे कौ सोर्स पाऊे से सोर्स विषय यहाँ स्टडी कर बुझीगला देन आग को जीवा देख देख मेजर एस्पेक्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी रिलेटेड रिलेट्स टू द सोर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज जानी आम ऑलरेडी पढ़ी जे एपिस्टेमोलॉजी सब ह्यूमन नॉलेज सोर्स को बेसी माने प्राधान्य दिए इंपेरिकल नॉलेज कौन प्रथम कही इंपेरिकल नॉलेज विषय कहुई फास्ट वन इज इंपेरिकल नॉलेज विभिन्न सोर्स विषय कहुई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स विषय कहुई ह्यूमन नॉलेज आस गए इंपेरिकल नॉलेज इंपेरिकल नॉलेज अर्थ है पे अनुभव जनित ज्ञान अनुभव जनित एटा ज्ञान अनुभव जनित ज्ञान मैंने इंपेरिकल नॉलेज मैं अनुभव जनित इंपेरिकल नॉलेज कौन करे अपीयर्स टू बी बिल्ड एटा कौन एपियर्स मैंने देखा जाए टू बी बिल्ड इन टू द भेरी नेचर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एटा नेचर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस विषय टू बिल्ड एटा तैयारी करे इन टू द भेरी नेचर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस मैंने मनुष्य सभ्यतार सरी ह्यूमन एक्सपीरियंस मैंने मनुष्य अभिज्ञता विषय से तार नेचर को से तैयारी करे कौन इंपेरिकल नॉलेज ता करे दस वी दस व्वेन इंडिविजुआल वर्क आउट ऑफ डोर्स ऑन स्प्रिंग डे ये जो इंपेरिकल नॉलेज को बुझापा गोटे एग्जांपल देसीटा एग्जांपल गोटे कहीपर जो इंडिविजुअल जिते बड़े मैंने कहीं भी जड़े वर्क आउट टू द डोर्स मैंने घर बाहर यहाँ बेस्ट एग्जांपल गोटे मुझे आने की तुमको देसी तुम्हें बुझापाई इंपेरिकल नॉलेज बुझीपर ये कौन इंपेरिकल नॉलेज अर्थटा जे व्वेन इंडिविजुआल वर्क आउट ऑफ ए डोर जिते बड़े गोटे इंडिविजुआल जड़े बाहर घर बाहर अन ए स्प्रिंग कौ समय स्प्रिंग स्प्रिंग समय स्प्रिंग से सीजन रे डे एंड सी द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप आउ से देखुची माने आमर पृथ्वीर माने जमीर बाहर आमर एनवायरमेंट रो ब्यूटी को सी अवलोकन करुच देखुची हियर द सॉन्ग तापर सेठी कौन हुए स्प्रिंग रे बार्ड्स बबाउ थबो सॉन्ग्स गाउ थबो माने बबाउ थबो फील द वार्म अप रेज तापर से माने रेज माने से जो सूर्य किरण रो फील द वार्म थाय बिना बेसी गरम थाय ना बेसी ठंडा थाय of the sun and smell the fragrance of blossom blossom mane se phulo manankar se fragrance ku mane smell kari paribo they know that is spring seta se kon kari ki perception se jani ki mane dekhi ki sab ye kala perception ro jani parle je this is kon ta this is and spring to seta hala empirical knowledge ta ko jauchi tapare second source eta hala first source second source kon second influential source of knowledge थ्रूआउट द स्पान ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री हेज बीन रिवेल्यूशन दुई नंबर है रिवेल्यूशन रिवेल्यूशन अर्थ कौन रिवेल्यूशन मान है स्मृति स्मृति से तार मानने जापारे मैंने तार से गोटे सोर्स ऑफ नॉलेज रिवेल्स नॉलेज हेज बीन द प्राइम इम्पोर्टेंस रिवेल नॉलेज को कौन रिवेल नॉलेज मैंने तुम कहीपर से स्मृति ज्ञान हेज बीन प्राइम यहाँ मुख्य इम्पोर्टेंस दि जाए इन द फील्ड ऑफ रिलीजन या बेसी माने बेसी प्राधान्य दि जाए इट डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर्स सो यहाँ बाकी सोर्स ऑफ नॉलेज रु मैंने अलग थाए कारण कौन इट प्री सपोज आगर या धरा जाए ये
ट्रांसेंडेंट सुपरनेचुरल एटा मुख्यतः गोटे सुपरनेचुरल रियलिटी हिसाब से धरा जाए दैट ब्रिक्स इनटू द नेचुरल जहाँ को माने यह कौन करे ब्रिक्स इनटू द नेचुरल रोल्स को भांगी की ये ट्रांसेंडेंट नेचुरल रियलिटी हिसाब से शो करे तो से गोटे रिवेलेशन स्मृति को गोटे सेकेंड सोर्स ऑफ नॉलेज बोली कही थर्ड सोर्स ऑफ नॉलेज कौन नॉलेज इज अथॉरिटी थर्ड नंबर है अथॉरिटी नॉलेज इज अथॉरिटेटिव नॉलेज कौन अथॉरिटी मैं अधिकार अथॉरिटेटिव नॉलेज है अधिकारिक माने ज्ञान अथॉरिटेटिव नॉलेज कौन अधिकारिक ज्ञान कौन इज एक्सेप्टेड माने अथॉरिटी कौन थर्ड सोर्स ऑफ नॉलेज अथॉरिटी अथॉरिटी माने अधिकार अधिकार ताहले कौन अथॉरिटेटिव नॉलेज क्या ज्ञान क्या कहवा अथॉरिटेटिव नॉलेज माने जोठी को कहीं जड़े माने माने समान सब जानी नॉलेज अच्छे पाखे माने कहीपर माने प्राइम नॉलेज से किसी नॉलेज पाखे अच्छी ऑलरेडी से जानी अथॉरिटेटिव नॉलेज कहीपर इज एक्सेप्टेड एज ट्रू हिसाब से व्यवहार कर बिकज इट कम्स फ्रम एक्सेप्ट एक्सपर्ट एक्सपर्ट माने जे सब जानी मुझे कहती है जे ज्ञान बहु ज्ञान अधिकारी अधिकारिक ज्ञान कहुए और हेज बीन कौन सेंसिफाएड ओवर द टाइम ऑफ ट्रेडिशन जहाँ को से सेंक्शन करसपर्ट हिसाब से सी किसी ज्ञान अलरेडी आहरण कर ट्रांसफर कर दैट इज कल ट्रांसकंडेन्ट ये ट्रांसकंडेन्ट सुपर नेचुराल रिलेटिव से स्मृति को कहुई हेल्ले कौन से किसी नॉलेज अच्छे से अन्य जन को ट्रांसफर कर इन द क्लासरूम कौन तो मोस्ट एग्जांपल एटा एग्जांपल दिया है इन द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इनफॉरमेशन इज द सम अथॉरिटी जे अथॉरिटी माने टीचर हो पारे सहजे जो गोटे टेक्स्ट बुक हो पारे गोटे टीचर हो पारे एंड रेफरेन्स टू वर्क काम करने को रेफरेन्स दे पार मैंने कौन अथॉरिटेटिव नॉलेज अथॉरिटेटिव से अथॉरिटी आउ से जो जहाँ नॉलेज देव से अथॉरिटेटिव नॉलेज अंडरस्टैंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट बुझीगला याकु जदि तुम्हें थरे बुझीजी ताहले तुम सबुद मन रहीपाई मुझे एमती गोटे तुमको नोट्स तैयारी करके आई देन फोर्थ सोर्स ऑफ नॉलेज इज रीजन रीजन माने कारण कौन कारण देख तो व्यू दैट रीजनिंग कारण खोजाटा है रीजनिंग रीजनिंग माने कौन कारण खोजा जानी रीजनिंग कारण खोजा रीजनिंग थट कहीपर और लॉजिक रीजनिंग खोज कारण विषय खोजा थट्स माने भावना आउ लॉजिक माने तर्क इज द सेंट्रल फैक्टर ऑफ नॉलेज इज नोन एज रेशनालिज्म जोटा कि माने चार नंबर सोर्स रीजन रही है रेशनालिज्म अर्थ है पे मैंने तर्कवाद कहनालीज्म फोर्थ वन इज रेशनालिज्म तो रेशनालिस्ट रेशनालिज्म कौन जो तर्क खोजे कौन पाखे रीजनिंग निहाती थोड़े थट्स निहाती थोड़े लॉजिक थो ना से बिल्कुल भी तर्क तुम पाखे जदि रीजनिंग ना तुम पाखे जदि थट्स ना कौन सी गोटे मानने जिनस तुम पाखे लॉजिक ना तो तुम अन्य मान संगे कौन तर्क मानने किसी तर्क बाद बद कर तो से तर्कवाद निहाती दरकार तो रेशनालिस्ट इम्फासाइजिंग ह्यूमानिटीज पावर से इम्फासाइज कर ह्यूमानिटीज पावर थॉट्स एंड द माइंड्स कंट्रीब्यूशन माइंड्स कौन कंट्रीब्यूशन अच्छी माइंड्स कौन माने सहयोग अच्छी नॉलेज उपरे इज लाइकली टू क्लेम दैट द सेंस एलोन कैन नॉट प्रोवाइड यूनिवर्सल वैलिड जजमेंट दैट आर कंसिस्ट विथ वन एंड अदर माने जदि माइंड माने तुम्हारा माने कंट्रीब्यूशन ना नॉलेज उपरे देन तुम यू कैन नॉट माने आप तुम्हें किसी भी सेटिंग माने तुम्हारा सेंस को माने केवल सेंस एलोन कैन नॉट प्रोवाइड यूनिवर्सल केवल सेंस माने से इंद्रिय माने तुमको प्रोवाइड करि परिबे नहीं यूनिवर्सल कि वैलिड जजमेंट ता ऊपर दे परिबे नहीं सेति पे तुमको ये रीजनिंग थॉट्स और लॉजिक निहाती दरकार बुझियला खाली नॉलेज ही माने पहुंचे परिबे ना ये सब भी तुमको पहुंचेबा को एमानकर बहुत माने अवदान होछि देन फिफ्थ वन इज फिफ्थ सोर्स ऑफ नॉलेज इज इंट्यूशन इंट्यूशन माने कौन इंट्यूशन माने ऑलरेडी तुम पढ़ी जाओ यहाँ है सहज बोध इंट्यूशन माने सहज बोध अच्छा देख द डायरेक्ट एप्रिहेंशन सहज बोध कौन डायरेक्ट एप्रिहेंशन ऑफ नॉलेज को सहज बोध कह डायरेक्ट एप्रिहेंस कौ डायरेक्ट तमें तुम एप्रिहेंस माने कौन आशंका डायरेक्ट तुम
माने नॉलेज को माने पाउच दैट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्शियस रीजनिंग अलग कौटी कॉन्शियस माने चेतना चेतना बा माने रीजनिंग माने कौन रीजनिंग माने ऑलरेडी पढ़ी आम रीजनिंग माने उपरे कारण खोजाटा कारण खोजिक तुम्हें खाली माने ज्ञानटा पाइज से नुहे और इमीडिएट सेंस ऑफ परसेप्शन तुम्हें पाइज ता नुहे इट इन द लिटरेचर डीलिंग विथ इंट्यूशन वन ऑफन फाइंड सच एक्सप्रेशन एज इमीडिएट फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी किसी इमीडिएट फीलिंग ऑफ माने यथाशीघ्र माने माने फीलिंग्स माने कौन गोटे जिनस भाविकी माने सर्टेनिटी माने निश्चित निश्चितताटा डिसाइड करवाटा है फिफ्थ सोर्स ऑफ नॉलेज ताको कहा जाउछि इंट्यूशन बुझीगला आज एति नेक्स्ट वीडियो रे पुणी आम किसी माने फिलोसोफिकल आइडिया जो ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी तीन नंबर अच्छी एपिस्टेमोलॉजी को नेक्स्ट वीडियो रे देखिबा थैंक यू एवरीवन।